चलो आ जाओ जी दोस्तों, आज आगे हम एक नया फूड टेस्ट कर लें। तो ये है मटर। मटर आप जानते हैं कि ये वो मटर है जो सफ़ेद मटर होते हैं, सूखे मटर होते हैं, ये वो बनाया हुआ है। देखने में चने लग रहे हैं पर ये मटर है। इसका बनाने का तरीका भी बहुत अलग सा है, तो हम इसका टेस्ट करने आए हैं। बहुत यूनिक आइटम है और शहर में सिर्फ इनके पास ही है। ये मटर कुलचा है हमारा सर। अच्छा, ये किससे बनाया आपने, कौन से मटर? ये सर चिट्टे मटर जो होते हैं ना, वाइट वाले चने टाइप के, वो वाले मटर है। हम पहले अभी भिगाते हैं, उसके बाद सुबह पकाते हैं उसको, छिलके छुलके पूरा निकाल लेते हैं, उसमें पका पका के ऊपर छिलके आ जाते हैं। उसके बाद ये हम मसाले बनाते हैं मटर कुलचे के। अच्छा, हाँ जी, रोज बनाते हैं रोज। अच्छा, ये कौन सा मसाला? ये 19 मसाले डालते हैं, जैसे कि, हाँ जी, ये इसको खा के देखते हैं। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, खटास है, प्रॉपर खटास है। ये हमने आमचूर की चटनियाँ बना रखी है सर। अच्छा, ये है आमचूर की चटनी, ये इसमें डालेंगे हम अभी। ये भी हम अपने खुद ही हाथ से तैयार करते हैं, उबाल के हल्दी वल्दी डाल के, नमक उमक डाल के। उसके बाद ये इमली की चटनी है। अच्छा, ये इमली की चटनी? हाँ जी, इसमें भी सौंठ उठ पाउडर वाउडर डाल के बनाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये थोड़ा बटर भी डालते हैं इसमें। हाँ, देसी घी हमने पकाते समय ही डाला था इसमें मटर में। ठीक, तो बाकी प्रोसेस सेम है। हाँ, सबसे बड़ी बात है अमूल बटर में ये गर्म करते हैं इसको, तो इसका वाकई जो टेस्ट है ना, वाह, सॉफ्ट सा है ये देखिए। और ये अमूल बटर लगा के इसको गर्म करते हैं, बहुत सॉफ्ट है और काफ़ी थिक है। करते हैं एक बार फिर। लाजवाब भाई, ये तो आइटम मैंने फर्स्ट टाइम खाई है, गजब है, मज़ा आ गया। तो ये काफ़ी मशहूर है ये चीज़ें बनाने के लिए। और नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं पाव भाजी। ये अभी भी देखिए बटर नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये ऊपर इन्होंने अमूल बटर डाला हुआ है, साथ में इन्होंने प्याज और हरी मिर्च, खीरा वगैरह सैलड दी हुई है, नींबू दिया हुआ, और ये दो पाव, ये देखिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको भी ये अमूल बटर के साथ इसको तवे के ऊपर गर्म करते हैं, बहुत शानदार, ये देखिए, वाह, वेरी गुड। तो इस तरह करते हैं हम टेस्ट। धनिया डाले हैं इधर, ये फिर से हमने धनिया डाल दिए। हाँ, और ये अब हम आगे सर्व कर रहे हैं। ठीक है सर, पाव बिल्कुल सॉफ्ट है सर, बटर लगा के बटर से ऐसे पूरा बटर में गर्म करते हैं इसको। ओके, आपके सामने हो रहा है ये फुल गर्म है। ये दो भाई आगे, 3 मिनट लगा, ये हो गया हमारा पाव भाजी का सब कुछ, ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, 3 मिनट बैक कर। तो आप हमेशा ग्लव्स वगैरह डाल के काम करते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, पूरे दोनों हाथ में ग्लव्स, मास्क प्रॉपर करके। तो ये जो पाव भाजी है ना, इसको बहुत सारी सब्जियाँ जो स्पेशल ये मिक्स करके घी में ही इसको बनाते हैं, और बाद में अमूल का तड़का लगाते हैं। आलू, गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, सब मिक्स करके पका के उबाल के मैश करते हैं इनको। अच्छा, बटर में तड़का मारते हैं, बटर और देसी घी में। ये देखिए, पाव भाजी बहुत बार खाई है, इसका डिफरेंट टेस्ट है। सबसे पहली बात, घी में बनाते हैं, शुद्ध देसी घी। उसके बाद जब ये तवे में डालते हैं, उसके बाद बटर का तड़का लगाते हैं और धनिया वगैरह डाल के अच्छी तरह 3 से 4 मिनट गर्म करके उसके बाद प्लेट में डालते हैं। तो उसके बाद धनिया, नींबू डाल के फिर अमूल बटर ऊपर से फिर डालते हैं, और बहुत सारी सॉस भी, और इसका जो जायका ना वो तो बढ़ जाता जी। तो मैं आपको बता दूं मैं आया कहाँ पे हूँ। ये जो जगह है, ये फूड बाज़ार है, इसका नाम ही फूड बाज़ार है। जलंधर शहर की सबसे मशहूर और फेमस फूड प्लेसेस में एक है ये। इसकी मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि मैंने काफ़ी फूड कवर किए हुए हैं, प्रॉपर मैंने रेस्टोरेंट का वीडियो बनाया, वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो देखिएगा ज़रूर। तो इसका एड्रेस जो है मैं कैप्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो मैं ये करता हूँ इसको फिनिश। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा बहुत सारा फूड
जो आपको दिखाते रहेंगे और अच्छी प्लेसेस भी दिखाते रहेंगे, लाइक जैसे फूड बाजार है। तो मिलते हैं फिर अगली एक और नई वीडियो में नए फूड के साथ, तो इसको करते हैं हम फिनिश। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।